जरा सोचिए कि किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टी का शासन चल रहा हो और उसमें कोई राजनीतिक पार्टी न हो, क्या यह संभव है? इसी को समझने के लिए आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है दल विहीन लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन एक ऐसी भी संकल्पना की गई जहां लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होगा, पूरी तरह से पार्टी लेस डेमोक्रेसी होगा, अर्थात दल विहीन लोकतंत्र होगा। पार्टी लेस लोकतंत्र एक ऐसी संकल्पना थी जिसे दो भारतीयों ने प्रस्तुत किया था। इन भारतीयों का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र को दलगत पहचान से अलग निकालकर, दलगत राजनीति से बाहर निकालकर, दलगत राजनीति के दलदल से पूरी तरह से बाहर किया जाए और बिना पार्टी वाली लोकतंत्र का नाम दिया जाए। ये संकल्पना करने वाले थे मानवेंद्रनाथ राय और जयप्रकाश नारायण जी। यह ऐसे दो विचारक हुए जिनका मानना था कि भारत में होने वाली लगभग सभी पार्टियां किसी विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय, विशेष जाति या विशेष तरह के क्षेत्र से खास लगाव रखती है और जब ये सत्ता में आती है तो ये किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय या समूह को लाभ पहुंचाने का कार्य करती है या भविष्य में कर सकती है। इस विकृति से दूर रहने के लिए एक ऐसे संकल्पना की गई जिसका नाम दिया गया पार्टी लेस डेमोक्रेसी। लेकिन अफसोस की बात है कि यह धरातल पर नहीं उतर सका, संकल्पना केवल संकल्पना रह गया, यह सच्चाई में नहीं बदल सका, जिसे हम दल विहीन लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात दल विहीन लोकतंत्र का स्पष्ट परिभाषा है एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें किसी तरह के पार्टी का सृजन गठन नहीं होगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।